चांदनी मूलचंदानी, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द अरब कॉन्क्वेस्ट के बारे में। जो अरबों का आक्रमण हुआ भारत में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और कैसे प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए, द सुन्नीज एंड द शिया। जो शिया सेक्ट वाले हैं वो अबू बकर को अपना कैलिफ डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके जो हायर हैं वो अबू बकर हैं, जो कि उनके अनुयायी थे और उनके काफी करीबी, काफी अच्छे मित्र भी थे। तो अबू बकर के साथ कैलिफेट की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जो राजा है, या हम कह सकते हैं जो रूल कर रहा है, वो है कैलिफ, जो प्रॉफिट मोहम्मद के हियर हैं, वो उनको कहा गया है कैलिफ। एंड जो इस जिस जितना उनका एरिया है जहाँ पे उनका अथॉरिटी है उसको कहा गया है कैलिफेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुन्नी सेक्ट की लीनिएज के बारे में, और हम देखते हैं कि अलग अलग वंश, नॉट वंश, अलग अलग कैलिफेट राज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि उमायद कैलिफेट जो है उनके मोहम्मद बिन कासिम एक कमांडर है उमायद कैलिफेट के, वो इंडिया आकर के अटैक करते हैं और सिंध वाले एरिया को कैप्चर करके राजा दाहिर सेन को हरा करके और वहां से जितनी भी वेल्थ थी वो लूट कर ले जाते हैं। उसके बाद आता है एबसिड एम्पायर। हमने एबसिड एम्पायर के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा सामनिड एम्पायर के बारे में। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सामनिड एम्पायर है उस समय तक जो इस्लामिस्ट और जो टर्क्स और पर्शियंस के बीच की हॉस्टिलिटीज थी वो बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे टर्क्स, जिनका की ओरिजिनल नेचर ही था लड़ना, प्लंडर करना, रेड करना, लूटपाट करना, चोरी चकारी करना, और दूसरे तरफ थे पर्शियंस। इन दोनों के बीच में झगड़े पड़ चुके थे। ये जो टर्क्स हैं, ये जो नॉन इस्लामिस्ट टर्क्स हैं, ओवरऑल टर्क्स जो थे वो नॉन इस्लामिस्ट थे। फिर जैसे इस्लाम का प्रचार बढ़ा तो कुछ टर्क्स ने इस्लाम को फॉलो कर लिया। जो इस्लामिस्ट टर्क्स हैं वही टर्क्स के खिलाफ एक दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं एबसिड एम्पायर पे। एबसिड एम्पायर के समय काल में हम देखते हैं कि यही जो इस्लामिस्ट टर्क्स हैं इनकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। इनको आमिर उल उमरा का टाइटल देते हैं जो कैलिफेट है वो, और उसके बाद ये आमिर आगे चल के सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करते हैं। ये जो सुल्तान है ये सॉवरेन रूलर नहीं है, ये हमेशा अपना एलिजेंस जो है कैलिफ को पे करता है, ये कैलिफ के अंडर आता है। जैसा कैलिफ कहेंगे वैसा ही ये सुल्तान करेगा। ये सुल्तान धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और जैसे ही सेंटर में सत्ता वीक हो रही थी, जैसे एंशियंट इंडिया में हो रहा है, वैसे ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर ले रहे थे। ऐसा ही एक किस्सा होता है अफगानिस्तान के गजनी एरिया में, जहां पे अल्पतिगिन नामक एक टर्किश स्लेव थे। वो थे तो टर्किश स्लेव, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो गवर्नर बन जाते हैं, और वो जैसे ही देखते हैं कि सेंटर की अथॉरिटी वीक हो गई है वो अपने एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद वो वहां पे अपना राज कायम करते हैं, और वो जो एरिया है वो गजनी का एरिया है जो कि आज के अफगानिस्तान में है, और उस एरिया को कहा गया है द गजनविट एम्पायर। ओके, इतना क्लियर है? द एरिया इज नोन एज द गजनविट एम्पायर। एक और हमने टर्म पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, द गाजी सोल्जर। अब आप बिल्कुल भी गाजी सोल्जर को गजनविट एम्पायर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। गजनविट एम्पायर अलग है, मैंने आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज डिक्लेयर हो रही थी, उनके जो राजा थे वो खुद को वहां का रूलर डिक्लेयर कर रहे थे, और मेन जो उनका सेंटर था उससे कट जा रहे थे। तो ये जो है एक गजनी जगह, वहां पे जो एम्पायर एस्टेब्लिश होता है वहां के एम्पायर को कहा गया है गजनविट एम्पायर, और यहीं के महमूद ऑफ गजनी इंडिया में 17 बार आगे चल के प्लंडर करते हैं। हमने जो गाजी सोल्जर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो गाजी सोल्जर है, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने गाजी सोल्जर का इस समय में। ये एक ऐसा सोल्जर है जो कि इंडिपेंडेंट है। गाजी जो वर्ड है वो अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया है, एंड उसका जो मतलब है वो यही है, शाब्दिक अर्थ इंडिपेंडेंट सोल्जर, नॉट रूलर, इंडिपेंडेंट सोल्जर। लेकिन क्या कोई भी इंडिपेंडेंट सोल्जर गाजी सोल्जर हो सकता है? नहीं। इंडिपेंडेंट सोल्जर होने के साथ साथ उसके कुछ
ट्रेड्स हैं। पहला ये कि वो स्टैंडिंग आर्मी के साथ नहीं लड़ता है, वो एक ऑक्सिलरी फोर्स की तरह लड़ता है, मतलब स्टैंडिंग आर्मी को ये बाहर से असिस्ट करता है। जहां जहां पे अटैक होते हैं, जहां भी आमिर को या सुल्तान को जरूरत होती है, वो ये गाजी सोल्जर्स को लेकर के जाता है। दूसरा ये कि गाजी सोल्जर्स की जो पेमेंट है वो जितनी लूटपाट हो रही है उसी के द्वारा की जाती है। तीसरा ये इम्पोर्टेंट कि ये एक मिशनरी सोल्जर है, मतलब ये एक मिशन पे है। गाजी सोल्जर इज अ मिशनरी सोल्जर, ये एक मिशन पे है। और यहाँ पे क्या मिशन था? इस्लाम का प्रचार करना। जो अभी हम अरब कॉन्क्वेस्ट पढ़ रहे हैं, सारे कैलिफेट्स का या सारे सुल्तानों का के दो ही एम थे। पहला ये कि अपना एम्पायर बढ़ाना, अपने एरिया टेरिटरी को बढ़ाना, जो हमेशा शुरू से रहा है। दूसरा ये कि इस्लाम को का प्रचार करना और बाकी लोगों से इस्लाम बाकी लोगों तक इस्लाम पहुंचाना। ये इंडिपेंडेंट सोल्जर है, मिशनरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इसको अगर रिसोर्सेज नहीं भी मिलते हैं, इसको अगर खाना पीना डाइट नहीं मिलती है, इस सोल्जर को अगर तनख्वाह नहीं मिलती है, उसके बाद भी ये मन में सच्ची श्रद्धा लेकर के अपने मिशन पे लगा रहेगा। मतलब कहने का कि इसको अगर कुछ नहीं भी दिया जा रहा है तो भी इसकी ड्यूटी है कि ये अपने मिशन को पूरा करे, यानी इस्लाम के प्रचार को पूरा करे, इस्लाम के प्रचार के लिए हमेशा काम करता रहे। अब हम देखते हैं कि ये जो गाजी सोल्जर है, ये अपने रूलर के साथ कुछ मिलिट्री कैंप्स में जाता था समय समय पे। उन मिलिट्री कैंप्स को कहा गया है गज़व। तो गज़व और गाजी ये दो अलग वर्ड हैं बिल्कुल। इसको आप गज़नवाइट एम्पायर से कंपेयर या कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये चीज आप याद कर लीजिए। गज़नवाइट एम्पायर अलग चीज है, गाजी सोल्जर अलग चीज है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके आगे हम आज बढ़ते हैं कि गज़नवाइट्स कौन है और कैसे इन्होंने रूल किया, इनका इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ, इंडिया को कैसे इन्होंने अटैक किया। सामनिड एम्पायर ईरानियन ओरिजिन का है और इन्होंने बाद में इस्लाम फॉलो कर लिया है। देखिए, ये जो महमूद है या फिर जो गज़नवाइट एम्पायर के रूलर्स हैं, ये ओरिजिनली है टर्की, टर्किश। ओके, ये रूल कर रहे हैं ईरान पे, पर्शिया पे, और ये फॉलो करते हैं इस्लाम को। इनका हो जाता है इस्लामिजेशन। तो इस्लामिजेशन होता है, ईरान पे रूल कर रहे हैं, टर्किश सोल्जर हैं। ये तीनों चीज आप देखिए, तो ये तीनों ही कल्चर्स का इफेक्ट इनके ऊपर है। जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो उनके जो ट्रेड्स हैं उसमें ईरानी या पर्शियन ट्रेड्स भी हमें मिलते हैं, टर्किश कल्चर भी मिलता है, और इस्लाम के तो वो फॉलोवर थे ही। सेमिनिड्स का एक दूसरा स्ट्रगल हो रहा है। एक तो इस तरफ इनका स्ट्रगल हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, सारी प्लंडरिंग। इनकी जो ओरिजिनल हमने पढ़ा था कि ये मर्सिनरी सोल्जर थे, ये मनी माइंडेड लोग थे, इनको जो पार्टी पैसा देती थी ये उनकी तरफ से लड़ना शुरू कर देते थे ओरिजिनली। तो इनकी जो नीयत है वो ऐसी ही है, वो अभी भी लूटपाट में विश्वास रखते हैं, और सिर्फ लूटपाट ही इनका एक मेन एम हुआ करता था, प्लंडरिंग, रेडिंग। अब क्या हो रहा है कि एक तरफ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनसे लड़ करके, और अपना यहाँ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना एम्पायर भी इनको बढ़ाना है, प्लस इनको इस्लाम का प्रचार करना है। और दूसरा, जैसे ये मैप देखिए, दिस इज द एरिया, ये देखिए गजनी प्रिंसिपैलिटी है, ये खोरसन का एरिया है। तो यहाँ आसपास के एरिया में, इधर था सेमिनिड एम्पायर, यहाँ आसपास के एरिया में नॉन इस्लामिक ट्राइब्स रह रही हैं। नॉन इस्लामिक ट्राइब्स वो लोग हैं जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर ऑफ अदर्स रिलीजन, मे बी ऑफ अदर रिलीजन, और मे बी वो इस्लाम की तरफ अभी इनको मोटिवेट करने के लिए, इनका कन्वर्जन कराने के लिए गैजनेवाइट्स या सैमनिड डायनेस्टी के लोग उधर भी एक मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, उधर उनसे लड़ रहे हैं जो कि नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन है। आपको पता है ना टर्किश ट्राइब्समैन का फीचर क्या है? ये बहुत ही अच्छे, बेहतरीन हॉर्स राइडर हैं और प्लंडरिंग में इनको महारत हासिल है। हम पढ़ चुके हैं कि यही इस्लामिस्ट टर्किश और टर्किश के बीच में झगड़ा होता है, एंड ये जो टर्किश ट्राइब्समैन है ये इधर सामनिड एम्पायर के एरिया में, एबसिड एम्पायर के एरिया में घुसते हैं प्लंडरिंग के लिए, अपने घोड़ों पे सवार होकर के, और कैलिफेट इनसे बहुत परेशान होता है। जो लोकल लोग हैं, लोकल मतलब जो इस्लामिस्ट टर्किश लोग हैं, वो भी हॉर्स राइडिंग में महारत हासिल थी उनको, क्योंकि वो सब थे तो पहले टर्क ही ना,
फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये इधर रह गए। तो ये ही एक बहुत ही मेजर लाइन ऑफ डिफेंस बनते हैं टर्किश ट्राइब्स के लिए, जो कि प्लंडर कर रही हैं इधर कैलिफिट के एम्पायर में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अगर कंफ्यूजन लगे कहीं भी, आप 2 बार 3 बार लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टर्किश ट्राइब्समैन है, नॉन मुस्लिम है, इनका एक तो प्लंडरिंग कर रहे हैं, ऊपर से ये नॉन मुस्लिम है, तो इनके साथ भी सेमिनिट्स का एक मोर्चा खुला हुआ है। इनको प्लंडर भी रोकनी है और इनको इस्लाम का प्रचार भी करना है। तो सेमिनिट्स दो फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, एक इस तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ और एक अपने एरिया से ऊपर। गाजी सोल्जर गज्व और गजनवाइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 इंपॉर्टेंट टर्म, इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। अब उसके बाद हम देखेंगे गजनवाइट्स एक्चुअली इनकी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, इनके एम्पायर का, और ये मेन मेन इनके सुल्तान कौन है। सबसे पहले इनके रूलर हैं अल्पतिगिन। मैंने आपको बताया कि अल्पतिगिन जो है वो एक टर्किश स्लेव थे और फिर गवर्नर बनते हैं और ये गजनी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहले इनके सुल्तान थे अल्पतिगिन। हम हमेशा कहते हैं महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया, बट महमूद ऑफ गजनी वॉज नॉट द फर्स्ट गजनी और गजनवेट टू अटैक ऑन इंडिया। इससे पहले अल्पतिगिन, फिर उसके बाद अल्पतिगिन के दामाद, हम देखेंगे ये सारे अटैक कर चुके हैं इंडिया पे। अल्पतिगिन जो है उनका जयपाल, जयपाल एक हिंदू शाही एरिया है, हिंदू रूलर्स का एक ग्रुप इनसे लड़ने गया था, उनसे अल्पतिगिन का फाइट हुआ था। हुआ ये था कि इधर से 4 लोग मिल करके गए थे लड़ने, जयपाल 3 और राजाओं को लेकर के, एक मुल्तान के राजा थे, एक उसके अलावा राजपूत किंग थे, तो ऐसे 4 लोगों का एक ग्रुप बना करके गए थे। इधर देख रहे हैं कि गैजनविट्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गैजनविट्स की पावर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि इधर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स हैं, हिंदू रूलर्स, उनको डर लग रहा है कि ये हमारे पास आकर के और हमारे हम पर आक्रमण करके हमारा एरिया छीन लेंगे। तो एक हिंदू शाही एरिया है, हिंदू शाही एरिया पूरा जो इंडस रिवर के वेस्ट वाला एरिया है उसको हिंदू शाही एरिया कहा गया है। इस एरिया को हिंदू शाही एरिया कहा गया है। ये एरिया के रूलर्स हैं, वो एक संगठन बनाते हैं जयपाल के लीडरशिप में और वो जा करके अल्पतिगिन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार, और यही हुआ। अल्पतिगिन के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और अल्पतिगिन से ये हार गए। और जयपाल का इतिहास रहा है कि जयपाल का जितनी बार भी गजनवाइट्स के साथ युद्ध हुआ है, जयपाल हारे ही हैं। उसके बाद अल्पतिगिन के दामाद के साथ होता है, फिर उनके सक्सेसर है महमूद, उनके साथ होता है, तो जयपाल हारे ही हैं। और अंततः कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं, कुछ हमारे साक्ष्य ये बताते हैं कि जयपाल ने शर्मिंदा होकर के और सुसाइड कर लिया था, अग्नि में खुद को इन्होंने खुद की आहुति दे दी थी, लाइक खुद अग्नि में, आग में कूद गए थे। तो हालांकि ये स्टोरी के पूरे हमारे पास एविडेंसेस क्लियर नहीं है तो कह नहीं सकते हम। चलिए अल्पतिगिन पे आते हैं। अल्पतिगिन जो है जयपाल के साथ उनका युद्ध होता है और जयपाल गाजी पे अटैक करते हैं और जयपाल हार जाते हैं। गैजनविट्स डिस्ट्रॉयड काबुल। अब गैजनविट्स को आ गया गुस्सा। ये क्या करते हैं, ये काबुल और जलालाबाद वाला जो एरिया है, ये देखिए काबुल, दिस इज काबुल, यहीं पे है जलालाबाद। इस एरिया को ये गैजनवाइट्स डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको अपना शासन कायम नहीं करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब काबुल और जलालाबाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी लूट करके अपने पास ले जाते हैं, बहुत तहस नहस मचाते हैं इस एरिया में। इनका नेचर ही था प्लंडरिंग, तो पहले तो ये ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अल्पतिगिन के बाद उनके दामाद आते हैं, अल्पतिगिन की एक पुत्री थी जिनका वो विवाह कराते हैं सबुकतिगिन के साथ। 990 से 991 का टाइम पीरियड है जब सबुकतिगिन राज करते हैं। इनका भी युद्ध होता है जयपाल के साथ और काबुल और जलालाबाद वाला जो एरिया है अब ये वहां पे कैप्चर कर लेते हैं। और कहा जाता है कि सबुकतिगिन के पुत्र महमूद, जो कि महमूद ऑफ गजनी है, आगे हम पढ़ेंगे, तो महमूद सबुकतिगिन के साथ इस एनेक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये महमूद का पहला आक्रमण होता है, महमूद का पहला पार्टिसिपेशन होता है आक्रमण में। ओके, नेक्स्ट इज, अब आते हैं महमूद ऑफ गजनी, जो कि सबुकतिगिन और
अल्पतिगिन की पुत्री के बेटे हैं। महमूद का रूल चलता है 998 से 1030 AD तक। गजनी पे ये राज करते हैं। इनको हीरो ऑफ इस्लाम कहा गया है। हम देखिए अपने यहाँ पढ़ते हैं महमूद के बारे में, तो हम क्या पढ़ते हैं कि महमूद के बारे में अगर आप किसी भी इंडियन हिस्ट्री के एंगल से देखेंगे तो यू विल सी कि महमूद को दिखाया गया है कि वो यहाँ आते हैं सिर्फ मंदिर लूटने, लूटपाट मचाने, लोगों को मारने और सारी इंडिया की वेल्थ बटोर करके ले जाने। अब देखिए एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। जिन महमूद को हम यहाँ पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं महमूद को सेंट्रल एशिया में, गजनी में, अफगानिस्तान वाले एरिया में एक हीरो माना जाता है। उनको हीरो ऑफ इस्लाम क्यों कहा गया है, मैंने आपको बताया महमूद की दो चीजें हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो ये कि महमूद ने बहुत ही ज्यादा अच्छी एक डिफेंस प्रोवाइड की थी जो प्लंडरिंग ट्राइब्स हैं उनसे, एम्पायर को। कौन सी डिफेंस प्रोवाइड की थी? महमूद बहुत ही अच्छे थे आखिरी में हॉर्स स्किल्स में, और सबसे बड़ी उनके पास जो हेल्प थी वो थी गाजी स्पिरिट। गाजी सोल्जर जो हमने पढ़े उनकी स्पिरिट थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो इसी मिशन के साथ, इसी स्पिरिट के साथ महमूद को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे गाजी सोल्जर्स थे जो महमूद के साथ लड़ रहे थे और महमूद उनके सपोर्ट से एक लाइन ऑफ डिफेंस खड़ी करते हैं जो भी टर्क्स आते हैं प्लंडर करने उनके खिलाफ। तो एक तो इन्होंने प्लंडरिंग से बचा लिया अपने एरिया को और इस्लाम के प्रचार को बढ़ाया। प्लंडरिंग से बचाने के साथ साथ इन्होंने इस्लाम के प्रचार को बढ़ाया, तो इसीलिए इस्लाम में इनको हीरो कहा जाता है। और दूसरा इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए इनको प्रेस किया जाता है वो है पर्शियन रिनेसा। हमने पढ़ा कि पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में उस समय क्लैश चल रहे थे और पर्शियन लैंग्वेज को ही इन्होंने प्रमोट किया और अरेबिक जो इम्पोज की गई थी उसको हटाया। पर्शियन कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज, इसको प्रमोशन देने के कारण पर्शिया में महमूद को एक हीरो की तरह पूजा जाता है। कहा जाता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद पर्शियन कल्चर और लैंग्वेज नहीं बचती। ये हो गई दो महमूद के अचीवमेंट्स। एक फिरदौसी करके कोट पोएट रहे महमूद के, जिन्होंने शाहनामा लिखा। महमूद के समय काल के ये थे, याद रखिएगा फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा एक किताब लिखी महमूद के ऊपर। उसने महमूद को या ईरानियन जितने भी रूलर्स हैं उनको, जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड था एंशियंट इंडिया में कि हम राजा को डिवाइन ओरिजिन देते थे कि ये ईश्वर के वंशज हैं या फिर इनमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं, ऐसे हम कहते थे कि राजा जो कह रहा है वो सबको मानना है। ठीक ऐसा ही फिरदौसी के शाहनामा में ईरानियन राजाओं के लिए होता है। उनको रिलेट किया जाता है, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दी जाती है जो ईरानियन गॉड्स हैं उनसे। ईरान का जो माइथोलॉजिकल फेथ है, जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जैसे हमारे यहाँ हमने देखा कि राजाओं को राम, भीष्म एंड कृष्ण, इनसे रिलेट किया जा रहा था, तो भीम नॉट भीष्म, तो इनसे इक्वेट किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे फिरदौसी के शाहनामा में जो उनके माइथोलॉजिकल गॉड थे उनसे इनके सुल्तान को कंपेयर किया जा रहा है, उनसे इनकी भेंट हो रही है। तो लोगों में ऑलरेडी क्या है, सुल्तान के लिए इज्जत आ जाएगी कि हाँ ठीक है ये भगवान के हमारे या जो भी हमारे सुपरनेचुरल पावर्स हैं उनके वंशज हैं। ऐसा कहा जाता है कि महमूद ने 17 बार इंडिया में रेड की। और देखिए पहले तो महमूद की जितनी भी सारी रेड्स हैं उसकी टाइमलाइन दी हुई है, आप याद कर लीजिएगा। इनकी जो इम्पोर्टेंट रेड्स हैं वो फर्स्ट दो तीन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद सोमनाथ टेम्पल पे इन्होंने जो 1025 AD में रेड की थी वो डिस्कस करेंगे। इनिशियल जो इनकी रेड्स हैं वो हिंदू शाही रूलर्स के साथ थी, जो कि वही जयपाल की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ इनकी एक जंग हुई थी इंडस नदी के किनारे। और इस समय पेशावर और पंजाब का एरिया हिंदू शाही रूलर्स के पास था। जयपाल को ये हराते हैं 1001 AD के समय में। देखिए ये लिखा हुआ है कि जयपाल ने एक अलायंस बनाया और गजनी के पहले के गवर्नर थे वो थे उसमें, सामनिड रूलर के गवर्नर थे, उसके अलावा मुल्तान के एक रूलर थे, राजपूत रूलर थे, चार लोग का अलायंस मिला करके और इन्होंने अल्पतिगिन को चुनौती दी थी और अल्पतिगिन से ये हार गए थे। अब 1001 AD में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जयपाल को महमूद हरा देते हैं। इंडस नदी के किनारे इनकी एक बैटल होती है जहां पे महमूद जयपाल को हरा देते हैं और उनको एक प्रिजनर की तरह रखा जाता है। हालांकि ये जो जयपाल को प्रिजनर की तरह रखा जाता है, बाद में इनको रिलीज कर दिया जाता है
एंड ही डिसाइडेड टू एंटर अ फ्यूनरल पायर बिकॉज ही थॉट ही हैड डिस्ग्रेस्ड हिमसेल्फ। जयपाल के साथ इनकी जो जंग हुई उसमें भी ये हार जाते हैं। इससे पहले वो साबुक तिगिन फिर अल्प तिगिन से भी हारे हैं। तो जयपाल को क्या लगता है कि वो एक डिस्ग्रेस है, शर्मिंदा होते हैं वो बहुत ज्यादा, और जयपाल खुद ही एक फ्यूनरल पायर में कूद करके अपनी जान दे देते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब जयपाल के बाद उनके सक्सेसर बनते हैं आनंदपाल। आनंदपाल से भी महमूद की झड़प होती है। बैटल बिटवीन महमूद एंड आनंदपाल वाज फॉट इन 1008 एंड 09 एट वाई हिंद। ये नाम याद कर लीजिए, बैटल ऑफ वाई हिंद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ चुका है कि किसके किसके बीच में है, तो बैटल ऑफ वाई हिंद होती है। आनंदपाल जो कि जयपाल के पुत्र हैं और जयपाल कौन है, हिंदू शाही रूलर हैं, उनके बीच में, और महमूद ऑफ गजनी के बीच में होती है। वाई हिंद इनकी कैपिटल थी। इट सीम्स दैट मैनी प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कन्नौज राजस्थान के राजा और बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के छोटे छोटे राजाओं ने सपोर्ट किया था इस बैटल में आनंदपाल का। मतलब आप ये देखिए क्या दर्शाता है कि जो हिंदू रूलर्स थे या जो इंडियन रूलर्स थे ओरिजिनल, उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गैजनवाइट्स को, बट दे गॉट डिफीटेड। द मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान ऑल्सो सपोर्टेड आनंदपाल। इवन जो मुल्तान के मुस्लिम रूलर थे उन्होंने भी आनंदपाल को सपोर्ट किया था। Although the Indian forces were more numerous and includes the Khokhars, a bravery warlike tribe living in Punjab, the cavalry charge of Mahmud's mounted archer carried the day. India ki jo forces hain wo bahut hi zyada shaktishali thi. Khokhar karke ek tribe hai jo Punjab mein rehti thi. Ye tribe ne bhi participate kiya, but Mahmud ki jo cavalry skills thi, jo unki horse riding ki skills thi, archery ki skills thi, uske samne sab dher ho gaya. उसके बाद महमूद इंडिया में मंदिरों को रेड करते हैं, नॉर्थ इंडियन इंडिया का जो पोर्शन है उसको रेड करते हैं, सेंट्रल एशिया में भी उनका स्ट्रगल चलता रहता है। ओवरऑल हम देखते हैं कि महमूद बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। जब तक जीते हैं उनका जो दिमाग में मिशन है इस्लाम का प्रचार, इसके तहत वो सिर्फ और सिर्फ लड़ते ही रहते हैं, आसपास में लूटपाट मारकाट ही होती रहती है। महमूद ऑल्सो पोस्ट अ ग्रेट बुट शिखन और डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। महमूद खुद को बुट शिखन कहते हैं। बुट शिखन का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। इमेजेस मतलब जैसे जो हमारे टेम्पल्स में इमेजेस होती हैं, उनको, उनके डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स भी हम कह सकते हैं। मंदिरों को खत्म करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, तबाह करने वाले का टाइटल ये महमूद धारण करते हैं। और क्यों धारण करते हैं, ये इसमें इस्लाम की ग्लोरी मानते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने टेम्पल डिस्ट्रॉय करके इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में ग्लोरी हासिल की है, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरा करने के तरफ ये स्टेप उठाया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेड्स हैं जिसमें कन्नौज की रेड है 1018 में, सोमनाथ मंदिर की रेड है 1025 में गुजरात में। ये पूरा का पूरा मंदिर लूट कर चले जाते हैं, बहुत ही भयानक रेड थी ये, कुछ भी नहीं छोड़ते ये। इन द कैंपेन अगेंस्ट कन्नौज ही सैक्ड एंड प्लंडर्ड बोथ मथुरा एंड कन्नौज। मथुरा कन्नौज पूरा ही एरिया ये प्लंडर करते हैं। महमूद फिर मुल्तान की तरफ जाते हैं अक्रॉस राजपुताना इन ऑर्डर टू रेड द फेबुलसली रिच टेम्पल एट सोमनाथ। ये इनकी इंडिया के बाहर इंडिया में पंजाब के बाहर इट वॉज हिज लास्ट कैंपेन। फिर आप देख रहे हैं कि 1025 में ये सोमनाथ पे प्लंडर कर रहे हैं और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र आते हैं मसूद। इनके पुत्र का नाम है मसूद, वो आते हैं, लेकिन ही इज अ वीक सक्सेसर। और तब तक हम देखते हैं एक सेल्जुक एम्पायर करके एक रूल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और सेल्जुक एम्पायर का जो एरिया है वो पूरा ट्रांस ऑक्सियाना, ईरान, सीरिया, ये पूरा एरिया मिला करके सेल्जुक एम्पायर यहां पे रूल करता है। मसूद और सेल्जुक एम्पायर के राजाओं के बीच में झड़प होती है जिसमें मसूद हार जाते हैं, और उसके बाद जो इनके सक्सेसर्स हैं वो काफी वीक हैं, और यहां से पतन शुरू हो जाता है महमूद की डायनेस्टी का, द गजनवाइट्स का। अब क्या कारण है गजनवाइट्स के पतन का, गजनवाइट्स के पतन का कारण ये है कि इनको सक्सेसर्स काफी ज्यादा वीक मिलते हैं, एंड इनका इसके बाद जो सेल्जुक एम्पायर है उसका बहुत ज्यादा एकदम से इनके सक्सेसर्स वीक होते हैं और दूसरा एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल ये जो महमूद का हमने अटैक पढ़ा इंडिया पे, उसका असर क्या होता है इंडिया पे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमारी गलतियों के बारे में, हमारी कमियों के बारे में पता चलता है। जो इंडिया के रूलर्स हैं
वो इतने वीक थे कि सबके सब मिल करके और महमूद को हरा नहीं पाए। जो हमारी राजपूत स्टेट्स हैं, जो सब साथ में मिल करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, हमने देखा हिंदू शाही एरिया के रूलर्स मिल करके लड़ते हैं महमूद से, और फिर भी उनको हरा नहीं पाते। तो ये हमारी पॉलिटिकल डिसयूनिटी के बारे में दर्शाता है कि हम कितने ज्यादा डिसयूनाइटेड हैं, हम कितने ज्यादा टूटे हुए हैं, और हम महमूद को अपोज नहीं कर पाए, सब साथ में अगर मिले भी उसके बाद भी। दूसरा, हमारी फेडेड टेक्निक्स के बारे में बता रहा है, हमें घुड़सवारी नहीं आती, हमारी आर्करी की स्किल्स बेकार हैं। तो ओवरऑल ये जो महमूद की प्लंडर्स हैं, ये हमें इकोनॉमिकली तो वीक कर ही देती हैं, हमारी जो बिल्कुल इकोनॉमी है उसको शेक कर देती हैं, इतने प्लंडर्स किए इन्होंने। लेकिन उसके बाद ये हमारे एम्पायर की कमियों को भी, हमारे इंडिया के रूलर्स की एम्पायर की कमियों को भी दर्शाता है कि ये कितने वीक थे, कितने डिसयूनाइटेड थे, कितनी ज्यादा टर्मोइल की सिचुएशन थी, और कितनी फेडेड इनकी टेक्निक्स थी। तो हमारी कमियां हमारे सामने ये उजागर करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द महमूद ऑफ गजनी। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम राजपूत स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे राजपूत स्टेट्स एंड फिर अब अरब के एक नए कॉन्करर, नए रूलर आ रहे हैं इंडिया को इन्वेज करने के लिए, तो हम उनके बारे में और राजपूत स्टेट्स का उनको बचाने में, लाइक उनको प्रिवेंट करने में क्या रोल रहा, इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।